नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के पंचायत सड़क के ऊपर सड़क बनाकर 8 करोड़ का बंदर बांट। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चिरकुंडा से पंचायत सड़क निर्माण के लिए अचानक 8 करोड़ राशि आवंटन कर देना क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नेता हो या आम जनता, सभी का कहना है ये सड़क वर्तमान में साफ सुथरा सुरक्षित है, कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं है। सड़क के दोनों किनारे नाली का आवश्यकता है, लेकिन विभाग द्वारा जबरन सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, वह भी 8 करोड़ का, जो यहां के जनता को समझ में नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है विभाग सड़क के ऊपर सड़क बनाकर सिर्फ पैसों की बंदर बांट कर रहा है। आइए हम यहां के लोगों से सुनते हैं। सड़क निर्माण कार्य में काफी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। पुराने सड़क के ऊपर नई सड़क निर्माण के पहले पुराने सड़क पर जेसीबी से खुरदरा कर देने से दोनों सड़क का पकड़ मजबूत होता। अभी बरसात में जिस प्रकार से सड़क निर्माण किया जा रहा है, वह सड़क 6 महीने से अधिक नहीं टिक पाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा पीडब्ल्यूडी विभाग अगर जल्द इस पर ध्यान नहीं देती है तो आम जनता सड़क पर बैठकर आंदोलन करेगा। बोदीलाल हंसदा, झारखंड मुक्ति मोर्चा वरिष्ठ नेता। एक ही काम को दोबारा किया जा रहा है। रोड के ऊपर रोड बनाने की सरकार का जो पॉलिसी है वह समझ में नहीं आ रहा है। बिना आवश्यकता रोड बनाने के कारण सड़क के दोनों ओर के दुकानदार गड्ढे में जा रहे हैं। बप्पी दे पंचायत बीजेपी पूर्व अध्यक्ष, चौंध से लेकर बुधबड़ी तक नाली का निर्माण होना चाहिए था, अभी सड़क निर्माण का कोई आवश्यकता नहीं था। रोड काफी साफ सुथरा है, कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं है। झारखंड सरकार सिर्फ पैसे की बंदर बांट करा रही है। गौतम पासवान, भाजपा नेता। चिरकुंडा से लेकर पंचायत तक जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, सही अनुपात कम नहीं किया जा रहा है। जनता के पैसों की बंदर बांट किया जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राकेश कुमार, भाजपा नेता। ये सड़क चिरकुंडा से पंचायत एवं नेहरू रोड को जोड़ा जाएगा। इसमें 300 मीटर की नली है। चौक चौराहे पर फाइबर ब्लॉक के ईंटा बिछाना है। रोड के ऊपर रोड बनने के सवाल पर उन्होंने बताया ये रोड 6 वर्ष पूर्व बना था, यह 8 करोड़ का काम है। पूरा काम हमारे निगरानी एवं अनुपात अनुसार हो रहा है। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता, एक सवाल, ये जो रोड बना हुआ रोड फिर बना रहा है, इसमें क्या करना चाहिए? रोड प्रॉब्लम, रोड खराब है क्या, देखने में क्या लग रहा है? देखिए रोड तो सही है, और सही होने के बावजूद ऊपर से दिया जा रहा है, अगर दे भी रहा है तो उसको प्रकरण के हिसाब से पहले रोड को जो है दाड़ा करे कि कोई जेसीबी द्वारा जो है दाता उसको रगाड़े रोड पर, और वो जो है दाड़ा होने के बाद जो है पिचिंग करे, पिचिंग पकड़े। ये तो पिचिंग पकड़ेगा नहीं ये, और ऊपर से जो है बरसात के समय में जो रोड बनने जा रहा है, पिच जो है पुराना रोड से पकड़ेगा नहीं, और जो है रोड जो है बिखर जाएगा 6 महीने के अंदर। तो इससे अच्छा हम अनुरोध कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी से, इसको तत्काल इस पर जो है कार्रवाई हो, अन्यथा जनता जो है रोड पर उतरने का काम करेंगे। ये बंदर पर जो लूट खसोट का जो व्यवस्था हो रहा है ये बंद हो। चिरकुंडा से पंचायत तक सड़क में काम कैसा लग रहा है? काम ठीक है, मगर एक ही काम को दोबारा किया जा रहा है। रोड ऑलरेडी रोड बना हुआ है, कहीं गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं, उसके बाद भी डबल बनाया जा रहा है। सरकार का पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोड के ऊपर रोड बनाने का मकसद क्या है। क्या लग रहा है इसमें? इसमें यही लग रहा है कि इससे और दिक्कत होने वाला है। रोड ऊंचा होगा तो चारों तरफ पानी घुसेगा। रोड दिनों दिन ऊंचा होता जा रहा है, जबकि कोई जरूरत अभी रोड का था नहीं। रोड ऑलरेडी बना हुआ था और रोड में कहीं गड्ढा उड्ढा कुछ भी नहीं था, फिर से जबरदस्ती रोड को बनाया जा रहा है। एक प्रकार से वही कह सकता है कि बिना जरूरत का बनाया जा रहा है। आपका परिचय? हम बापी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पंचायत मंडल और जिला कार्य समिति सदस्य। धन्यवाद। सड़क जो निर्माण हो रहा है इस पर क्या कहना चाहिए? हम लोग तो सड़क निर्माण हो रहा है इस पर कहना यही चाहेंगे कि सबसे पहले नाली का व्यवस्था जरूरी है, बूटवाड़ी से लेकर चांस तक, ताकि बरसात का पानी घर में घुस जाता है। और रोड तो अभी बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, ताकि रोड तो बहुत साफ सुथरा है, कहीं भी टूटा उटा नहीं है, है ना? तो क्या लग रहा है, पैसे का बंदोबस्त हो गया इसमें? हाँ, इसमें तो लग रहा है कि झारखंड सरकार पैसे का बंदोबस्त करेगा, कि रोड तो इसमें गड्ढा ऊंचा कहीं नज़र नहीं आ रहा,
आपका आपका परिचय? गौतम पासवान, भाजपा नेता। भाजपा के एसटीएससी के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, रोड का ये जो पथ विभाग से जो पास हुआ है पंचित से चिरकुंडा तक, ये जो बना बनावल में काम कर रहा है और सही जो पास हुआ है जो इस्टीमेट है उसके आधार से नहीं किया जा रहा है। ये सरकार जो पास किए हैं लूट घसोट करने का काम कर रहा है और 3 फुट बोलता है कि 3-3 फुट और बढ़ाएंगे तो 3 फुट गड्ढा करेंगे, तो कहाँ गड्ढा कर रहा है? 1 इंची दे करके बराबर करके फैला रहा है कि हमारा रोड चौलीकरण हो रहा है। इसके तहत सरकार को जांच करके और नहीं हो तो सीबीआई को बुलाया जाए, जांच किया जाए, सही ढंग से काम किया जाए, नहीं तो ये पैसा बंदर बांट मत किया जाए। जनता का पैसा है, ये किसी का बपौती संपत्ति नहीं है। हकीकत में काम सही उपयोग करना चाहिए सरकार। राकेश कुमार, चांच पंचायत और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप काम करवा रहे हैं? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी इसके घर तक मौजूद है। कहाँ पर है? मोबाइल पर। मोबाइल में है? तो क्या 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 काम करना है सर? अभी डीवीएम का काम चल रहा है, 50 रूम डीवीएम दिखाया जा रहा है। अच्छा, रोड के दो तरफ नाली बनना है? दोनों तरफ नहीं, सिर्फ 300 मीटर नाली बनाना है। पूरा रोड में? पूरा रोड में जहाँ जहाँ जल जमा हो रहा है उस जगह पर बनाना है। रोड कहाँ से कहाँ बन रहा है आपका? चिरकुंडा से कम से कितना किस्त में रही है? 8 करोड़ कुछ का है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाया। अच्छा सर, ऐसा लोगों का कहना है कि रोड मैंने बना हुआ उसके ऊपर रोड को बनाया जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? इसमें है कि रोड पिछला उससे पहले जो 6 साल पहले काम हुआ। 6 साल पर? कैसे आप जाइए अभी।